हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारे गेमर और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप का रैंकेड गेम प्ले। आज हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सी गेमिंग और आपको लास्ट तक ये वॉच करना है कि हम इस गेम प्ले को भूजा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे सिचुएशन होते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड में, आपको ही पता है कि मैं रहूँगा अकेला और सामने रहेंगे चार हीरो प्लेयर, जो कि हमें एक बार ही नहीं कई बारी हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे सामने 1v4 के सिचुएशन में। तो देखते ये है कि हम उनको मार के इस गेम प्ले को भूया ले पाते हैं या नहीं ले पाते। तो गाइस, अभी जस्ट मैं लैंड किया था और जस्ट दो बंदे को मैंने किल किया, एक को तो क्या ही खतरनाक हेडशॉट, दूसरे को भी हेडशॉट। एक बंदा रिवाइवल पॉइंट में अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको मार दिया तगड़ा सा हेडशॉट। और यहाँ काफ़ी सारे बंदे अभी भी हैं भाई। एक बंदा चलो बेचारा कर रहा था वेट हेलमेट को लेवल अप, लेकिन हमने उसका ही लेवल अप कर दिया मतलब कि हमने कर दी उसको ख़त्म, ठीक है। ये अच्छी बात है कि हमने चार किल उतरने के साथ ही कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर भी यहाँ पर फैक्ट्री से पहुँचने ज़्यादा दूर नहीं है और कुछ बंदे मुझे यहाँ भी लैंड करते हुए दिखे थे, इसलिए मैं फैक्ट्री नहीं गया, डायरेक्ट पहुँचने का आ गया। मतलब कि फैक्ट्री में लैंड किया था लेकिन मैं पॉचुनिक में ही बंदे मारा, ठीक है। तो वहाँ के भी काफ़ी सारे बंदे हमने किल कर लिए थे, पांच किल। और इसके ऊपर भाई एक बंदा है विंडो में, मारेंगे उसको भी। हेडशॉट मैंने मारा, बंदे को किया मैंने नॉक, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वहाँ एक और बंदा है, लेकिन वहाँ डबल डोर के साइड भी कोई बंदा था तो मैंने उसको मारा। वहाँ पर उसका किल किसी ने ले लिया, क्योंकि यार मेरे पास ना एमओ थी लेकिन रिलोड में थी गन, तो मैं रिलोड कर ही रहा था कि किसी और ने मार दिया, बाकी मैं किल ही चुरा रहा था तो मेरा कोई घाटा ही नहीं हुआ। सामने बंदा है, उसको यार मैंने जस्ट नॉक किया था, बट कैसे कैसे वो बंदा रिवाइव हो गया या कोई दूसरा बंदा आके उसको मार के चला गया मुझे नहीं पता, लेकिन पाँच किल मैंने कर लिया। और काफ़ी देर से मैं अपॉर्चुनिक में ही घूम रहा हूँ और बंदा नहीं दिखा, लेकिन अब जाके एक बंदा दिखा तो मैं थोड़ा सोचा दिमाग से मार दूँ, क्योंकि ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा तेज लग रहा है और बहुत ज़्यादा तेज बंदे को हम तेज़ी से मारते हैं ना। हेडशॉट ओनली बंदे को पड़ा, बंदे को किया हमने ख़त्म। अभी गाइस मैंने वेंडिंग मशीन से यहाँ पे ले लिया हूँ डबल स्नैपर। अभी ना वेंडिंग मशीन में क्या सिस्टम हो रहा है कि कुछ अच्छा सा लूट मिल जाता है, जैसे कि डबल स्नैपर और वो सेल्फ रिवाइवल वाला इंजेक्शन और भी 4 लेवल का वेस्ट और मतलब काफ़ी इन्हेंस चीज़ें मिल रही हैं वेंडिंग मशीन में, ठीक है। तो मैंने वहीं से लिया हूँ। तो ये डबल स्नैपर से मैंने एक बंदे को नॉक तो किया और एक बंदा अभी भी शायद वहाँ पर है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मैंने एक और बंदे को किल किया और अभी मेरे 7 किल हो चुके हैं कंप्लीट। तो ये अच्छी बात है यार, 7 किल मैंने कर लिया हूँ, तो नाइस। और 22 बंदे मतलब 23 बंदे अभी भी बचे हुए हैं, देखते हैं कि हम मार पाते हैं या नहीं मार पाते। वैसे गेम प्ले को भूया लेना काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मेरे पास स्नैपर की एमओ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ बंदे के पैर की आवाज़ आ रही है इसके नीचे से, मतलब फैक्ट्री के नीचे। एक बंदा, ओ माय गॉड, लिटरली रियली भाई, व्हाट अ नाइस हेडशॉट यार। भाई मेरे को तो लग रहा भाई प्यारे गेमर ना हैकर है, दैट इज़ ग्रेट, मज़ा आया यार, सच में मज़ा आया। चलो ठीक है, एक बंदे को हेडशॉट में लगा है, मतलब कि समझ लो कि मारा ही हूँ यार, मतलब मार ही देता हूँ कभी कभी हेडशॉट। एक बंदा जस्ट वहाँ पे आया, एक शॉट मारा, दो शॉट मारा, बंदे को किया मैंने नॉक, चलो मारते हैं उसको। अरे दादा रे, ये बंदा सेल्फ रिवाइव कर लिया यार, मतलब क्या ही नौटंकी है, जस्ट मैंने इसको मार दिया था, अब ऐसा ना हो कि ये मुझे मार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने उसको नॉक कर दिया था। इसके पास इंजेक्शन, मतलब कि इसके पास सेल्फ रिवाइवल था, क्योंकि जस्ट वो जो ड्रॉप है ना वहाँ पर सेल्फ रिवाइवल था। एक तो मेरे पास पहले साथ था इसलिए मैंने यहाँ का सेल्फ रिवाइवल नहीं ले पाया, बट अभी इसका जो सेल्फ रिवाइवल है वो हो चुका है ख़त्म, तो अभी इसको मारने में पड़ेगी मुझे आसानी। एक स्नैपर का शॉट, यूजी का शॉट, बंदा हो चुका है ख़त्म। अभी यहाँ से मैं लूँगा स्नैपर की एमओ, क्योंकि ख़त्म हो चुकी है मेरे पास, तो ठीक है मैं तो स्नैपर की एमओ यहाँ से ले ही लूँगा। वैसे आ क्यों नहीं रहा है, ओके आ चुका है, एक मिलेगा शायद से, एक मैंने वहाँ से लिया, लेकिन बट यहाँ से नहीं लूँगा, लेकिन किंतु परंतु मगर वहाँ से नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे जोन में जाना है और काफ़ी देर से मैं भाग रहा हूँ फैक्ट्री से यहाँ तक, भाई भाग ही रहा हूँ समझ रहे हो ना, तो काफ़ी दूर का जो फासला था हमने तय किए हैं दूर दराज में,
जो मॉन्स्टर ट्रक है वहाँ बंदा है और उसके आइड साइड में एक दो बंदे होंगे तो उनको भी मारते हैं। एक बंदा सामने मेरे शॉट मारा, मैंने बंदे को किया नॉक। दूर दराज में एक और बंदा, एक शॉट ओपी, दो शॉट, दो बंदे खत्म। एक और बंदा आया है, तीसरे नंबर का बंदा। अब वो कैसे मरेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम उसको मारेंगे। एक शॉट, दो शॉट बंदे को किया हमने नॉक और ये किया मैंने खत्म। मैंने किए हूँ अभी 13 किल और अभी यहाँ पर 13 बंदे बचे ही हैं। दूर दराज में एक बंदा, उसको मारने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो बंदा मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई कतई दूर जाएगा वो, तो क्या ही भाग रहा है यार। वैसे तो भागने की जरूरत मुझे भी, क्योंकि काफ़ी दूर जोन है और यदि कोई बंदे ने मुझे देख लिया, मुझे छेड़ दिया और काफ़ी डैमेज हो गया तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ से निकलने में। तो अभी मैं मोस्टर ट्रक को पकड़ता हूँ और डायरेक्ट जाता हूँ सेफ जोन में। लेकिन एक दो को यहाँ से मैं मार के जाऊँगा ना। एक बंदे को मैंने जस्ट मारा किससे, मतलब मोटर ट्रक से, कार से मैंने उड़ाया, बट वो बंदा शायद किसी ने ख़त्म कर दिया उसको। लेकिन ये जो मैंने बंदे को मारा, ओपी मारा, और इसके पास भी सेल से रिवाइवल, लेकिन हमने इस बंदे को किया पूरा का पूरा ख़त्म। और पूरा का पूरा ख़त्म करने के बाद यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ पर बंदा एक और आ चुका है। चलो इसको मारते हैं। एक शॉट मारा नहीं लगा, कोई बात नहीं, दूसरा शॉट बंदे को किया मैंने नॉक। अब यहाँ पर पूरा किल कंफर्म हमने कर लिए हैं भाई। एमओ बिल्कुल भी नहीं बची है, 7-3, 10 एमओ बची दोनों स्नैपर में बस, मतलब दोनों स्नैपर को मिला के 10 एमओ है। ओ भाई कैसे मार लूँ इतने सारे बंदे, 10 बंदे 10 एमओ। मतलब इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि मैं गन चेंज कर पाता हूँ या नहीं और कितने बंदे को मार पाता हूँ। ओके देखते हैं। 15 किल तो मैंने वैसे ही कर लिया हूँ, ज़्यादा बंदे नहीं मारे हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक बंदे को मैंने मारा, बंदा हो चुका है ख़त्म, पहले से नॉक था वो। एक और बंदा दूर दराज में, ओपी शॉट मैंने मारा बंदे को, किया मैंने ख़त्म। मैंने सोचा कि हेड शॉट ही मारता हूँ तो मुझे ज़्यादा एमो नहीं लगेगी, तो एक ही गोली में वो ख़त्म हुआ। दूर दराज में एक बंदा, दो शॉट मारा, बट यार बंदे ने लगा लिया गुलवाल। अभी मैं यहाँ पर पूरा का पूरा फंस चुका हूँ, ठीक है। कौन कहाँ से आके मुझे मारेगा मुझको बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन अभी एक बंदा साइड से आ रहा है, देखते हैं उसको कि क्या प्लानिंग कर रहा है वो और कैसे हमें मार सकता है। हम ही देखते हैं वो हमें कैसे मारता है, ठीक है। और पता नहीं हमारा भूजा हो रहा है या नहीं, वैसे हमारे पास स्नैपर की एमो तो बची नहीं है, फिर भी हम मारेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मारेंगे 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 बंदे को, हम रश करके मारेंगे, ठीक है। एक बंदा सामने, एक शॉट मारा, ओपी बोलते भाई अब तो वो बंदा मर ही जाएगा, पक्का मर जाएगा। बंदा सामने, ओ भाई मार दिया उसने हेडशॉट, मैं हो चुका हूँ खत्म, मेरा हो चुका है भैया। नहीं तो वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन पे सेट कर डालना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट लव माय फैमिली, बाय बाय।